नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन, वेदांता में ली आखिरी सांस। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और लखनऊ के पूर्व सांसद लालजी टंडन का निधन हो गया। लखनऊ के वेदांता में उनका इलाज चल रहा था। उनके बेटे और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन ने लालजी टंडन के निधन की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर लिखा, बाबूजी नहीं रहे। बता दें, लालजी टंडन पिछले काफी वक्त से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। लखनऊ के वेदांता में वह 14 जून से भर्ती थे। ज्यादातर समय वह वेंटिलेटर पर ही थे। लालजी टंडन के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने लिखा, श्री लालजी टंडन संवैधानिक मामले के अच्छे जानकार थे। उन्होंने अटल जी के साथ लंबे और करीबी संबंध का आनंद लिया। दुख की इस घड़ी में श्री टंडन के परिवार और शुभचिंतकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लालजी टंडन की गिनती भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में रही। वाजपेयी के करीबियों के माने जाते थे। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली, तो टंडन ने लखनऊ सीट से चुनाव लड़ा था। 2009 में उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ सीट से हराया था। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।